Miscellaneous exercise, page number 15. Miscellaneous exercise, question number 8, first part. कौन सी exercise है ये? Miscellaneous exercise 2. ठीक? अब काम क्या है? Question क्या है? उस पर depend करता है. तो question में लिखा हुआ है मेरे पास, solution के हेडिंग बना लेता हूँ. Question में लिखा हुआ है पहले bracket के अंदर x की पावर 2a अपॉन x की पावर a प्लस बी. बस अच्छा, बीच में कोई निशान नहीं है और अगला ब्रैकेट बना या पता नहीं शायद डॉट है या नहीं है, डॉट लगाया क्या? अच्छा कोई निशान नहीं भी है अगर, तो इसका मतलब आपको पता है जब कोई निशान नहीं होता तो ठीक है. अगले में x की पावर है 2b और नीचे x की पावर है b प्लस सी और आखिरी ब्रैकेट x की पावर 2c अपॉन c प्लस a. ये लिखा हुआ है x की पावर c प्लस a. अब काम क्या होगा यहां पर के सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर काम होता है और ब्रैकेट के अंदर यहां पर क्या काम हो सकता है? ब्रैकेट के अंदर यहां पर ये काम हो सकता है कि पहले तीनों ब्रैकेट्स के अंदर जो है बेसिस है सेम, तीनों ब्रैकेट्स के अंदर बेसिस हैं सेम, तो पावर्स हो जाएंगी. लेकिन सेम बेसिस की पावर प्लस भी तो होती है. नहीं नहीं, यहाँ पे डिवाइड हो रही है ना सेम बेस, तो यहाँ पे पावर माइनस होगी. और जब पावर माइनस हो तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि पावर माइनस होगी ऊपर वाली पावर पहले और नीचे वाली पावर क्या ए प्लस बी. क्या गलती की है मैंने यहाँ पे? ये बिल्कुल सही है, ए प्लस बी पे ब्रैकेट नहीं लगाया. क्यों लगाऊं ब्रैकेट? क्यों लगाना जरूरी है ब्रैकेट? इसलिए क्योंकि नीचे वाली पावर में दो टर्म्स हैं, तो जब नीचे वाली पावर सब्ट्रैक्ट होगी तो दोनों के साथ माइनस आएगा और तो दोनों का साइन चेंज होगा. मैं नहीं कह रहा दोनों के साथ माइनस आएगा, मैं कह रहा हूँ दोनों का साइन चेंज होगा, क्योंकि माइनस जब जाता है अगर ये पहले से माइनस होता तो ये प्लस बन जाता, तो दोनों के साथ होना चाहिए माइनस, लिहाजा पूरे पे ब्रैकेट बनाना जरूरी है. और जब अंदर स्मॉल ब्रैकेट आ गया तो बाहर वाला स्मॉल ब्रैकेट क्या बन जाएगा? कर्ली ब्रैकेट. अगला कर्ली ब्रैकेट, x को लिखा है एक दफा, पावर सब्ट्रैक्ट ऊपर वाली 2b माइनस नीचे वाली b प्लस सी और b प्लस सी पे भी क्या आना चाहिए? और फिर तीसरा x, क्या ख्याल है? x की पावर 2c और ब्रैकेट बना के c प्लस ए. क्या ये बात समझ में आती है? अब ये जो पावर के अंदर स्मॉल ब्रैकेट है ये ओपन होंगे सबसे पहले, जो ब्रैकेट का आपसे बाहर निकलता है, तो आए ब्रैकेट ओपन करते हैं भाई. इस पहले ब्रैकेट जाहिर है जब अंदर का स्मॉल ब्रैकेट ओपन होगा तो बाहर का कर्ली ब्रैकेट दोबारा क्या बन जाएगा? स्मॉल ब्रैकेट. अब जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 2a पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लेकिन इन दोनों टर्म्स का साइन चेंज, प्लस ए बन जाएगा, प्लस बी बन जाएगा. क्या बात समझ में आई? इसी वजह से तो ब्रैकेट बनाया था. आमतौर पे इस क्वेश्चन में गलती ही सिर्फ ये होती है बेटा कि हम लोग जल्दबाजी में x की पावर ब्रैकेट 2a माइनस ए प्लस बी, ये गलती होती है. और ये गलती क्या गलती है? ब्रैकेट ना बनाने की गलती. दोनों ने माइनस होना है तो माइनस भी दोनों के साथ आएगा, दोनों का साइन चेंज होगा. ठीक है, अच्छा. और दूसरा ब्रैकेट x की पावर 2b और माइनस बी और तीसरा ब्रैकेट x की पावर और क्या बात सबको समझ में आई? अब क्या करूं? थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है यहाँ पे. एक काम ही करें कि यहाँ पे एक स्टेरिक बनाएं, ऐसा ही स्टेरिक बनाएं पेज के टॉप पर और अपने आप को सिखाएं कि ये स्टेप कहां से आया, ये बात कहां से आई. इसको इस तरह से यहां लिख दो कि ये बात कैसे आई जो अब मैं समझाने जा रहा हूं. देखें ऐसा है कि जब 2 में से 1 माइनस होता है तो क्या आप सब लोग 1 लिखते या नहीं लिखते? लिखते. इसी तरह अब अगर मैं ये कहूं कि 2x में से 1x माइनस हो रहा है तो आंसर में भी क्या बन जाएगा? 1x, यानी कि सिर्फ x, क्योंकि 1x लिखने की 1 जरूरत नहीं है. क्या मैं सही कह रहा हूं? तो बिल्कुल इसी तरीके से ये जो 2a माइनस a है ये बन जाएगा 1a, ये जो 2b माइनस b है ये बन जाएगा 1b,
और जो 2c माइनस c है ये बन जाएगा, क्योंकि दोनों c वाली टर्म है, दोनों b वाली टर्म है, दोनों a वाली टर्म है, और a के साथ a वाली टर्म अगर साइन सेम हो तो ऐड हो जाती है, और साइन डिफरेंट हो तो अलजेब्रा में मैंने ये सीखा था कि जब दो a वाली टर्म हो तो आंसर में भी एक a वाली टर्म मिलेगी, अगर साइन सेम है तो ऐड होकर, और अगर साइन डिफरेंट हो तो सब्ट्रैक्ट होकर। क्या मैं सही कह रहा हूँ, समझ आ रही है बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला एक्स है इसकी पावर क्या बन रही है, 2a में से a गया, 2 में से 1 गया तो 1a बचा, और क्योंकि बड़े नंबर के साथ प्लस था तो आंसर के साथ भी प्लस 1a, ये माइनस भी ऐसे ही रहेगा, ये माइनस नहीं होगा क्या, ये 2 माइनस 1 1 नहीं बनेगा क्या, या कुछ और नहीं होगा इसके साथ? नहीं नहीं नहीं, b वाली कोई और टर्म थी नहीं यहाँ पे, हाँ कहीं और है, तो कहीं और की बात तो वैसे भी बाद में करनी है ना, अभी तो फिर ब्रैकेट के अंदर काम है। दूसरे एक्स के बारे में क्या ख्याल है, बी माइनस 2 भी क्या बना, b और माइनस c रहा एज इट इज, 2c माइनस c क्या बना, और माइनस a रहा, क्या ये काम सबको समझ में आया? ब्रैकेट के अंदर मजीद आगे कोई काम हो सकता है? नहीं, क्योंकि a में से b, a में से a वाली टर्म माइनस हो सकती थी, मैंने की, क्या a में से b वाली टर्म माइनस हो सकती है? नहीं हो सकती, तो मैं नहीं कर सकता, b में से c वाली टर्म भी माइनस नहीं हो सकती, c में से a वाली टर्म भी माइनस नहीं, तो ब्रैकेट के अंदर जितना काम हो सकता था वो मैंने कर दिया, इसका मतलब अब ब्रैकेट ओपन करने की तरफ जाना चाहिए। चले ब्रैकेट ओपन करने की तरफ, इसका मतलब क्या है कि अब तीनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा दें, और जैसे ही मैं तीनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाने के बारे में सोचूंगा, तीनों ब्रैकेट्स के अंदर जो बेस्ट मुझे नजर आ रहे हैं बेसिस में, वो क्या है, x, यानी तीनों की बेसिस सेम, अगर बेसिस सेम है तो दोबारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा, क्या लॉ था, सेम बेस पावर सब्ट्रैक्ट, ऐड क्यों, ऐड क्यों, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं, यहाँ तो माइनस करवाया था क्योंकि यहाँ सेम बेस डिवाइड थी, और अब सेम बेस, जब सेम बेस मल्टीप्लाई तो पावर ऐड, पहली पावर a माइनस बी प्लस दूसरी पावर b माइनस सी प्लस तीसरी पावर, अब यहां से लेकर यहां तक ये सिंगल पावर है, तो ये सब आपस में अगर साइन सेम है तो ऐड हो सकता है, और अगर साइन डिफरेंट है तो a के साथ a वाली टर्म, b के साथ b वाली टर्म, और c के साथ c वाली टर्म, तो इत्तेफाक से साइन डिफरेंट है हालांकि टर्म सेम, तो प्लस 1b माइनस 1b बना 0b, यानी खत्म हो गया b, तो जब जीरो बचा तो हम कहते हैं कैंसिल हो गया, प्लस सी से माइनस सी भी और प्लस ए से माइनस ए भी, तो इन शॉर्ट यहां पर एक्स की पावर बच गई जीरो, और जब किसी भी चीज की पावर होती है जीरो तो उसका आंसर क्या आता है, तो यहां पर हमारे पास एक्स की पावर बन गई जीरो, और एक्स की पावर जीरो का मतलब इस पूरे क्वेश्चन का आंसर वन आया, बस खत्म हो गया, क्या समझ में आता है? अच्छा, अब हमारी बुक में ना इस जैसा कोई और सवाल है नहीं, तो बना लेना चाहिए ताकि होमवर्क के लिए इस जैसे प्रैक्टिस के लिए दो क्वेश्चन हो जाएं। तो क्वेश्चन देखना क्या बना रहा हूं मैं, जाहिर है होमवर्क का क्वेश्चन है तो मैं डिफरेंट कलर यूज करता हूँ, आप लोग कॉपी कर लो, आप लोग सब जो ऑनलाइन है वो भी, क्योंकि यार बोर्ड का पोर्शन मेरे पास बहुत कम है, तो ये जल्दी जल्दी कॉपी करवाएं, मैं मिटाऊं ताकि जब तक मैं होमवर्क लिख रहा हूँ। होमवर्क के क्वेश्चंस देखे बेटा, एक्स की जगह ए लिख दिया, और वहां पे जो ए बी सी था उसकी जगह एक्स वाई और जेड लिख दिया, ठीक है, 2x और नीचे होना चाहिए x प्लस वाई, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, x की जगह p लिख z लिख दिया, और ए बी सी की जगह p q और
आर लिख दिया, बाकी बिल्कुल उसी तरह काम होगा, टू पी में से पी जाएगा तो वन पी बचेगा, और फिर उसके बाद काम कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा और आंसर इन दोनों का वन आएगा। तो जरा जल्दी जल्दी सब लोग कॉपी कर लें ताकि फिर मैं मिटा दूंगा, ज्यादा काम इसमें है नहीं, एक ही क्वेश्चन था, स्टेप्स भी कम है, अब पहले से कम स्टेप है तो अगर इसमें से और स्टेप हम लोग मिस करेंगे तो नंबर मिलेंगे फिर किस चीज के, तो स्टेप्स स्किप नहीं करने बिल्कुल। बिठा दो बेटा, अगला क्वेश्चन शुरू करूं, बस दो मिनट और रुकूंगा, एक मिनट या दो मिनट, जल्दी से जल्दी से शाबाश। क्वेश्चन मिटा दूं, होमवर्क का ही नोट कर रहे होंगे ना आप, तो बाकी तो हो गया होगा, तो होमवर्क छोड़ देता हूं और एक क्वेश्चन मिटा दूं, ठीक है? और जो पेज के टॉप पे लिखना जरूरी है, लिखा जहां ये वाला स्टेप है वहां पे स्टेरिक बनाए, और उसी पेज के टॉप पे जिस पे क्वेश्चन कर रहे हैं, टॉप का मतलब वो जो हेडिंग वाली लाइन से ऊपर काम होता है, वहां पर ये जरूर लिखे हैं ताकि ये बात समझ में आए कि 2a- से कहां गायब होके बन गया, कैसे बन गया, ठीक है? सब लोग ये जल्दी से काम करें, इससे ये होगा कि जब भी रिवाइज करने बैठेंगे तो स्टेप जैसे ही देखेंगे डायरेक्ट फॉरन पेज के टॉप पे देखेंगे, समझ आ जाएगा ये काम क्या करवाया था। ठीक है भाई, मिटा दूं ना। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों ने देखना है वो है आपकी एक्सरसाइज 2.7 का,
लेकिन मिसलाइनियस करेंगे 2.7 का, लेकिन लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले मैं जरा आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या मतलब यार? वो ये जो है क्या कहते हैं अपना, कोई नंबर जब किसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है, चाहे ब्रैकेट के बीच में प्लस हो या, तो कैसे मल्टीप्लाई होता है? एक्स यानी वो नंबर ब्रैकेट की हर टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता है. तो ये क्या बनता है? एक्स इंटू ए और एक्स इंटू बी. प्लस है तो प्लस, माइनस है तो एक्चुअली इनके साइंस भी फिर मल्टीप्लाई होता है. इसका साइन प्लस है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे. अगर इसका साइन माइनस होता तो अंदर के साइन चेंज होते, है ना. अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिखाई थी मैंने. अब मुझे ये बताएं, अच्छा लोग क्या करते हैं इसको फॉर्मूला के तौर पे याद कर लेते, रट्टा लगा लेते, नहीं बेटे काम आना चाहिए. अब इसी तरह अगर दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हो इस तरह के, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई हो रहा हो किससे? एक्स माइनस वाई से. अब एक ब्रैकेट से दूसरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे? जिस तरह इसको किया था पहले, इसकी हर टर्म यानी पूरा ब्रैकेट एक्स के साथ था, तो अब ये पूरा ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ है, तो इसका मतलब ये जो ग्रीन से काम करूंगा ये पेंसिल से करना, इसका मतलब क्या होगा? ये पूरा ब्रैकेट पहले ब्रैकेट से यानी उसकी हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा. जब दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होते हैं तो पहले ब्रैकेट की हर टर्म दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होती है और दूसरे ब्रैकेट की हर टर्म पहले ब्रैकेट से. एक ही बात है क्योंकि ब्रैकेट्स को कभी भी आगे पीछे तो किया जा ही सकता है. तो बताएं फिर ये क्या बनेगा? इस तरह से होगा, पहले एक्स के साथ आएगा एक्स माइनस वाई और फिर प्लस वाई के साथ भी आ जाएगा. क्या ये सबको समझ में आया? अब ये ब्रैकेट भी ओपन करना आता है, ये ब्रैकेट भी ओपन करना आता है. यानी जो काम यहाँ एक दफा किया था वो काम यहाँ, जी बिल्कुल सही, क्योंकि दो टर्म्स थी इसलिए, तीन टर्म्स होती तो तीन दफा करना पड़ता. ठीक कह रहा हूँ ना? बताओ क्या बनेगा? एक्स इन दोनों के साथ एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई, ऐसे आ जाएगा मल्टीप्लाई. y और x, y x या x y एक ही बात है. पहले x y लिख दिया तो बेहतर अभी भी x y लिखे. प्लस और प्लस, प्लस माइनस, y और y, अब बताएं क्या होगा? प्लस x y से माइनस x y, आंसर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. हो गया का? हो गया. अब वो मैं क्या करूं अगर कैंसिल हो गया? मैंने तो सिर्फ ओपन किया था ब्रैकेट. अब जो सेम टर्म्स विद ऑपोजिट साइन होती है वो खुद ही सबट्रैक्ट हो जाती है, तो इसमें काम हमारा, कसूर हमारा नहीं है, वैल्यूज का जो लिखी हुई है भाई. समझ रहे हैं बात को? सबको समझ में आया ये? बोलो बेटा, ब्रैकेट ओपन करने में कोई मसला तो नहीं है? अच्छा एक स्टेप और आगे लिखे चलिए. अगर एक ब्रैकेट लिखा है x प्लस वाई और दूसरा ब्रैकेट लिखा है x माइनस वाई, ठीक है, प्लस जेड. x माइनस वाई प्लस जेड, ये आपके सामने एक ब्रैकेट लिखा हुआ है, तो ये ब्रैकेट कैसे ओपन होगा? बिल्कुल उसी तरीके से. किस तरीके से? दोबारा पेंसिल से काम करना कि अगर ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दूसरा ब्रैकेट पहले ब्रैकेट की हर टर्म से जाके मल्टीप्लाई होगा. बोलो होगा? इसका क्या मतलब है कि पहले x के साथ भी आएगा x माइनस वाई प्लस जेड और फिर प्लस वाई, या इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, प्लस वाई वाला तो ले चुका हूँ, इधर माइनस लेता हूँ, इधर प्लस लेता हूँ और फिर इधर माइनस लेता हूँ. मर्जी है मेरी, जो भी कर ले, कोई फर्क, मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ. तो बताएं फिर, पहले x से मल्टीप्लाई होगा x प्लस वाई माइनस जेड और फिर माइनस, जान बुझ के सेकंड टर्म नेगेटिव ले रहा हूँ उसकी, ठीक है, माइनस y से मल्टीप्लाई होगा x प्लस वाई माइनस जेड. और आप लोग देख रहे हैं ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह ही ओपन हो रहा है. पहले सिर्फ एक टर्म होती थी तो ब्रैकेट उस टर्म से जाके मल्टीप्लाई हो जाता था उसकी हर टर्म. अब पूरे ब्रैकेट है तो पूरे ब्रैकेट की हर टर्म के साथ है और फिर ब्रैकेट उसी तरह से ओपन हो रहा है. चलो बताओ क्या बनेगा? एक्स और एक्स, एक्स और वाई प्लस माइनस एक्स और जेड, वाई और एक्स, वाई एक्स या एक्स वाई, माइनस प्लस, बाहर माइनस है तो हर टर्म का साइन चेंज हो. अच्छा माइनस प्लस, वाई और वाई, माइनस माइनस, वाई और जेड. अब क्या होगा आगे? प्लस एक्स वाई से माइनस एक्स वाई बचा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर
प्लस वाई जेड, जाहिर है जो कैंसिल हो गया सो हो गया, जो नहीं हो रहा था वो बच गया, जो कैंसिल हो रहा था कर दिया, जो नहीं हो रहा वो बच गया। ये स्टेप कैमरा में नहीं आ रहा तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे। ये वाला तो हो गया ना कॉपी सारा, जी तो क्या होगा यहाँ पर, ये होगा कि बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, और क्या बचा माइनस एक्स जेड, ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या माइनस वाई स्क्वायर, और क्या बचा प्लस वाई जेड, हो गया काम, हो गया ब्रैकेट ओपन। और क्या ये समझ में आया? अब वो टर्म थी ऐसी थी जो दो से दो कैंसिल हुई, सब हमेशा जरूरी थोड़ी सब कुछ कैंसिल हो गया, यहाँ पे दो चीजें बच रही थी, यहाँ पे ज्यादा बच रही है, ठीक है सही है। जब दो दो टर्म्स थी तो टू टू फोर टर्म्स आई, अब एक में दो है दूसरे में तीन टर्म्स आए, तो थ्री टू सिक्स टर्म्स आई, जिसमें से दो कैंसिल हो गई, चार बच गई। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लो, क्या एग्जांपल कि अगर एक्स और वाई चलो ले लेते हैं, बल्कि पी और मैं क्यू ले रहा हूँ, जान बुझ के चेंज कर रहा हूँ, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर से, ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, सेम ब्रैकेट देख के परेशान मत होना, अगर बेसिक काम आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती है तो आपको कोई मसला नहीं होगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आराम से स्टेप बाय स्टेप जो सिखाया है वो करते रहो, बताओ क्या होगा। अच्छा कुछ लोग जानते हैं फॉर्मूला भी होता है, कुछ लोगों को पता है फॉर्मूला भी होता है, लेकिन अभी तो चैप्टर फोर नहीं पढ़ा आप लोगों ने, तो अभी फॉर्मूला यूज ना करो, ब्रैकेट ओपन करना सीखे, क्योंकि हर जगह फॉर्मूला लग रहा हो जरूरी नहीं है, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा वरना फिर जेड का क्या होगा, तो हर जगह फॉर्मूला लग जाए जरूरी नहीं है तो बेहतर है, लेकिन ब्रैकेट ओपन होने वाला काम हर जगह पूरा उतरता है तो बेहतर है ये काम सीख ले। अच्छा कैसे होगा, बाय द सेम प्रोसेस, क्या मतलब, पहले ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा जाकर किससे, फिर किससे, क्यू से नहीं माइनस करवाए, पी से मल्टीप्लाई होगा पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और फिर माइनस क्यू से भी मल्टीप्लाई होगा प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ओपन करें ब्रैकेट पी और, अच्छा पी को एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं, जहां पी पहले से है वहां पी की पावर बढ़ जाएगी, और जहां पी नहीं है वहां पी आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, पहले तो हर टर्म का साइन चेंज होगा, जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, और जो माइनस होता तो प्लस बन जाता, और जहां जहां क्यू है वहां क्यू की पावर बढ़ जाएगी, यानी टू है तो थ्री हो जाएगी, वन है तो टू हो जाएगी, और जहां क्यू नहीं है वहां क्यू आ जाएगा, बिल्कुल सही यही होता है ना। अब देख लें कि कैसे होगा, तो क्या होगा पी और पी स्क्वायर कैसे हुआ, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो कि अब डायरेक्ट लगाए, पी गया पी स्क्वायर के साथ, बेस सेम पावर है, वन प्लस टू क्या बन गया PQ. मैंने कहा था कि आगे जाके डायरेक्ट किया करेंगे काम, कर सकता हूं ठीक है। अच्छा फिर पी जाएगा पी क्यू के साथ, पी जाएगा पी क्यू के साथ, तो क्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पी और पी सेम बेस है, तो इसका वन और इसका वन, वन प्लस वन क्या बना, क्योंकि जब भी सेम बेस मल्टीप्लाई इसलिए बोल रहा था पी की पावर बढ़ेगी, तो क्या बना बेटा ये पी स्क्वायर क्यू, जबकि यहाँ P नहीं था तो यहाँ ना P पे कोई फर्क पड़ा ना Q पे, दोनों ऐसे आ गए, क्या ख्याल है। अब साइन माइनस प्लस Q चला जाएगा क्योंकि Q यहाँ है नहीं, इसके साथ P स्क्वायर Q, ऐसा इसको Q P स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि पहले पी क्यू लिख चुका हूँ तो बेहतर है अभी भी पी क्यू लिखे, वैसे फर्क कोई नहीं पड़ता, कम्यूटेटिव लॉ कौन पहले कौन बाद में, प्लस माइनस क्यू जाएगा पी क्यू के साथ क्या होगा, शाबाश क्यू Q और Q की पावर ऐड हो, अच्छा फिर प्लस माइनस Q और Q स्क्वायर Q का Q, अब क्या करें, पूरा सिंगल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो अगर अब इसमें सेम अल्फाबेट और सेम पावर वाली टर्म्स हैं तो उनको सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई का मतलब पावर साइन सेम है तो ऐड करवा दें, साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट करवा दें, तो क्या ख्याल है क्या होगा यहाँ पे, कैंसिल प्लस पी स्क्वायर क्यू से माइनस पी स्क्वायर, क्योंकि आप पी पे स्क्वायर है आगे पी पे स्क्वायर, और इसी तरीके से प्लस पी क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर वाले टर्म कैंसिल, सही कर रहा हूँ, बचा क्या सिर्फ पी क्यू माइनस क्यू क्यू, और माइनस है तो माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस होता तो प्लस होता, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका आंसर है, ब्लॉक्स तो नहीं बनाता चलो, लेकिन बस आपको ब्रैकेट ओपन करने आ गए। अब इसके बाद ना सिर्फ ये एक क्वेश्चन वाला काम नहीं कर रहा है, मैंने तकरीबन इस एक्सरसाइज में आगे जितने भी सवाल आने हैं ये वाले अल्फाबेट वाले, यहाँ पे बेस में भी अल्फाबेट है और पावर में भी अल्फाबेट है,
वहां का सबका काम मैंने आपको करा दिया है, ताकि वहां पर फिर दोबारा मुझे कुछ और समझाना ना पड़े, मैं जल्दी जल्दी अभी काम करता हूँ। आइए कॉपी करते हैं, और जो भी ग्रीन मार्कर से काम किया है और जो कैंसिलेशन किया है वो पेंसिल से करना। ऑनलाइन जो लोग हैं वो भी जल्दी जल्दी कॉपी करें, और अगर कुछ पूछना तो पूछे।
अभी इसी वक्त घर के लिए नहीं, अभी इसी वक्त इन दो का आंसर निकालिएगा। एल माइनस एम एल प्लस एम और इसके अलावा यू माइनस बी इंटू यू स्क्वायर प्लस यू बी प्लस वी स्क्वायर। अभी इसी वक्त देखिए बेटा, मेरे लिए तो आसान है कर दूं, मगर वो कंप्लीट नहीं होगा। फिर अभी अगर मैं 2.7 का क्वेश्चन शुरू किया तो बेहतर है कि हम इस काम को पक्का कर लेते हैं। अभी कर लेंगे, मैं घर के लिए नहीं दे रहा हूं, मैं अभी के लिए। स्मॉल एल स्मॉल एम एल माइनस एम एल प्लस एम यू माइनस बी यू प्लस यू स्क्वायर प्लस यू बी प्लस वी स्क्वायर और इसके साथ एक और चीज। x plus y into x square x करो, plus y into x square चलो और साथ में हमारे पास है plus x y या minus x y plus x y या minus x y और प्लस वाई स्क्वायर। प्लस है तो माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इन तीनों का आंसर निकाल लीजिए। क्या आंसर है? माइनस एल स्क्वायर। यू भी निकाल, यू और वी, पहले यू है फिर वी। इस पहले वाले का आंसर आ चुका है एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। सेकेंड वाला यू क्यूब माइनस वी क्यूब हो गया, कर लिया ये क्या फॉर्मूले से बता रहे? आंसर आया यू क्यूब माइनस वी क्यूब। आप लोग ने वेरीफाई भी करे सब लोग? बस जल्दी से एक मिनट के अंदर अंदर। क्या इस आखिरी वाले का आंसर किसी ने निकाला? दोबारा चेक करो, एक्स क्यूब माइनस तो नहीं आएगा। इसका आंसर आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। चेक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है बेटा? तो काम हमारा कंप्लीट हुआ। अगर ऑनलाइन जो लोग हैं उन्होंने कुछ पूछना है तो पूछ लें। आप लोगों ने कोई सवाल करना है तो सवाल कर लें बेटा। ये होमवर्क नहीं था, ये अभी करना था, अभी किया आपने और आंसर मैच कर लिए, ठीक है? चले भाई, मैं मीटिंग भी एंड कर रहा हूँ, क्लास भी एंड कर रहा हूँ।